नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। बबू रवि मेरे साथ मौजूद है पद्मा सिंह जी, जो कि जानी मानी साहित्यकार मानी जाती है। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, जो अभी अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम जो कार्यक्रम था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? घमासान.com और बामा साहित्य ने मिलजुल कर ये इतना सफल कार्यक्रम किया और महिलाओं पर केंद्रित था और बहुत सफल है और मैं इसकी सराहना करती हूँ। इस तरह के आयोजन भविष्य में भी हों ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रचना निगम, मैं गुजरात से आई हूँ और हमारा साहित्य लिखाई लेकर के जो महिला समागम अखिल भारतीय स्थापित हुआ, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और अधिक साहित्य को समर्थ कर सकते। मैम, आपकी रचनात्मक के बारे में क्या बताएं? मैं ज़्यादातर कविता, गज़ल, कहानी ये सब लिखती हूँ और मेरा भी यही उद्देश्य होता है कि हम हिंदी भाषा के साहित्य को समर्थ करें और हिंदी भाषा जो है वो उद्देश्य प्रधान हो और लोगों को उनके भावनात्मक संवेदनात्मक स्वरूप को वो अपने डेवलप कर सकें, इसके लिए मैं हमेशा ही उस प्रकार का लेखन करती हूँ। मैं प्रतिभा रामकृष्ण श्रीवास्तव वामा साहित्य मंच की सदस्य हूँ। आज 4-5 मार्च को वामा साहित्य मंच जो घमासान डॉट कॉम के सहयोग से मेरे एक कार्यक्रम हुआ महिला समागम का, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था जहाँ भारत से कई जगह से महिला साहित्यकारों ने शिरकत की। मैं चाहती हूँ कि आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। वामा साहित्य मंच और घमासान.com के संयुक्त तत्वावधान में जो ये अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम हुआ, मुझे लगता है कि जो बाहर से सब हमारे अतिथि आए हैं, निश्चित रूप से उनके आगमन की वजह से ही ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है। मैं उन सभी का आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कहीं कुछ हमसे चूक हो गई हो उनके अतिथि में तो उसके लिए मैं आप सबसे धन्यवाद हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगले वर्ष हम फिर इस तरह का लेखिकाओं का एक सम्मेलन करेंगे जो और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये खाने के लिए भी जाना जाता है लेकिन ये एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है आतिथ्य। यहाँ मालवा की माटी में अतिथियों के लिए लोगों के दिल खुले हैं। तो मैं पुनः एक बार आप सभी का, जो हमारे सहभागी आए थे यहाँ, जो हमारे अतिथि आए थे, उन सबका हृदय से आभार मानते हुए उन सबको अगले वर्ष के लिए अभी से निमंत्रण देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर कल्पना गोरी कलकत्ता से आई हूँ। मैं एमएस यूनिवर्सिटी वहाँ हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में हूँ और यहाँ मैं एक कवित्री के रूप में आई हूँ। और जिस प्रकार से मेरा क्षेत्र हिंदी है, मैंने आंचलिकता के आधार पर यहाँ गुजराती में कविता सुनाई। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी लेखिकाओं से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और एक लेखिका को मंच देने के लिए पूरे भारत से यहाँ अलग अलग भाषाओं की लेखिकाओं ने अपने वक्तव्य और विचारों के माध्यम से एक नई दिशा को जन्म दिया और आगे के समय में भी ऐसी ही नई दिशाएं खुलती रहेगी इस मंच के द्वारा। और ये मैं अभिनंदन करती हूँ और सबका अभिवादन करके बधाई देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अखिल सिंह सना है, मैं बड़ौदा से हूँ। वैसे मैं म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ लेकिन मैं महिला मंच से जुड़ी हुई कविताएं वगैरह मैं लिखती भी हूँ और पढ़ती हूँ, लेकिन इस मंच में आए बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ सभी उम्र की महिलाएं जो कवियत्री हैं, लेखिकाएं हैं, और सब में इतना प्यार है, कोई ने अपने आप को ना छोटा समझा ना बड़ा था, बड़े प्यार से सभी का स्वागत हुआ, बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरीके से। मैं घमासान वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, इन लोगों ने इतना अच्छा फंक्शन करने में साथ और सहकार दिया। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।